हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज हम कुछ इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज करेंगे जो कि हमारे हिस्ट्री के एमसीक्यूज हैं। इसमें मैंने मिक्स एमसीक्यूज लाए हैं, इसमें मेडिवल प्लस मॉडर्न दोनों एमसीक्यूज मैंने कुछ इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज लाए हैं जो कि हमारे जेके पीएसआई जो एग्ज़ाम हमारा होने वाला है उसके लिए इम्पॉर्टेंट है। सो स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन। द रीन ऑफ द चंद्रगुप्त फर्स्ट स्टार्टेड इन द ईयर 367 AD, 305 AD, 307 AD, 319 AD। सो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी। चंद्रगुप्त फर्स्ट का जो ईयर स्टार्टेड जब ये आए थे तो वो ईयर था 319 AD। तो कभी कभी इस तरीके के क्वेश्चन जो हैं वो भी पूछे जाते हैं। ओके, सेकेंड क्वेश्चन। Who is the founder of the Gupta dynasty? Samudragupta, Chandragupta first, Vishnugupta or Sri Gupta? So the correct answer is option D, that is Sri Gupta is the founder of the Gupta dynasty. इसका मैंने एक्सप्लेनेशन भी दिया हुआ है, जैसे कि श्री गुप्ता जो थे वो 240 से लेके 280 AD तक जो हैं रहे थे रूलर। श्री गुप्ता ने गुप्ता डायनेस्टी फाउंड की थी। ही वॉज द महाराजा ऑफ द गुप्ता डायनेस्टी। इसके बाद जो इनके सक्सेसर थे, इनके बाद जो गुप्ता डायनेस्टी में जितने भी रूलर्स आए वो थे चंद्रगुप्ता, समुद्रगुप्ता एंड विष्णुगुप्ता। तो श्री गुप्ता जो थे ही वॉज द फाउंडर ऑफ द गुप्ता डायनेस्टी। नेक्स्ट मूव ऑन क्वेश्चन। Which is the largest civilization in the world? China civilization, Indus Valley civilization, Mesopotamian civilization या है Egypt civilization? So आप इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में देंगे कि इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है। ओके, चाइना सिविलाइजेशन है, इंडस वैली सिविलाइजेशन है या मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन है या इजिप्शियन सिविलाइजेशन है? सो आपको पता होगा कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है वो इंडस नदी के पास हुई थी। मेसोपोटामियन जो सिविलाइजेशन है वो टिग्रिस रिवर एंड यूफ्रेट्स नदी के पास हुई थी। ओके, तो बाकी जो चाइना सिविलाइजेशन और इजिप्शियन सिविलाइजेशन है आपने इसका कमेंट सेक्शन में ये भी बताना है ये कौन से रिवर के पास ये सिविलाइजेशन हुई थी। ओके, इसके बाद जैसे आप जो भी इस क्वेश्चंस में जितने भी ऑप्शंस होते हैं अगर आप इन सब के बारे में पढ़ेंगे तो आपका जो है नॉलेज भी इंक्रीज होगी एंड देन उसके इसके अलावा भी अगर कोई क्वेश्चंस इनसे पूछे जाएं तो आपको इजीली पता चल जाएगा कि इसका आंसर क्या है। ओके, तो हर एक ऑप्शन को भी आप अच्छे से पढ़ लिया करें। नेक्स्ट क्वेश्चन। विच इज द मोस्ट फेमस सील फाउंड फ्रॉम द हरप्पा सिविलाइजेशन? एनिमल सील, पशुपति सील, लॉन्ग सील या ऑल ऑफ अबव? इनमें से कौन सी सील जो है हरप्पन सिविलाइजेशन में मिली थी? द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, दैट इज द पशुपति सील। आर्कियोलॉजिस्ट जो थे उन्हें पशुपति की सील्स जो है वो मिली थी। और कहाँ से मिली थी अगर ये भी पूछे तो आपको पता होगा कि मोहनजोदारो से पशुपति सील जो है वो मिली थी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है। द गदर पार्टी वॉज फाउंड इन नवंबर 1913 इन सैन फ्रांसिस्को, USA। अब जो है इसको किसने, बाय होम किसने इसको फाउंड किया था? मैडम बिकाजी कामा, लाला हरदयाल, श्यामजी कृष्ण वर्मा या फिर बोथ ए एंड बी? सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, लाला हरदयाल। ओके, नेक्स्ट जो है हम इसका एक्सप्लेनेशन भी पढ़ लेंगे कि जो ये पैसिफिक कोस्ट हिंदू एसोसिएशन भी इसको बोला जाता है जो हमारी गदर पार्टी है वो फाउंड की थी लाला हरदयाल विद सोहन सिंह बिखना जो थे वो इसके प्रेसिडेंट रहते थे। तो इसका नाम जो था गदर पार्टी रखा था। यहाँ पे ये सैन फ्रांसिस्को में 1 नवंबर 1913 में ये जो है सबसे पहले बनी थी। सो इसके ये क्यों बनी थी, ये अगेंस्ट बनी थी द ब्रिटिश रूल जो भी सप्रेस कर रहे थे उस वजह से जो है लाला हरदयाल ने मूवमेंट चलाई थी। कहाँ पे? गदर मूवमेंट कहाँ पे चलाई थी? सैन फ्रांसिस्को, जहाँ पे ये थे। ओके, नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द पूना पैक्ट वॉज एन एग्रीमेंट बिटवीन
पूनप एक्ट जो 1932 में एग्रीमेंट हुआ था वो किस किस के बीच में होता है? नेहरू अंबेडकर के बीच में, गांधी अंबेडकर के बीच में, मालवीय के अंबेडकर के बीच में, या नेहरू गांधी के बीच में? सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, गांधी एंड अंबेडकर के बीच में पूनप एक्ट हुआ था। चलो इसका हम एक्सप्लेनेशन भी करते हैं। इसका एक्सप्लेनेशन जो है वो है, बाबा साहेब अंबेडकर जी एंड महात्मा गांधी जी ने ये सितंबर 24, 1932 में इस एग्रीमेंट को साइन किया था। तो इसी एग्रीमेंट को क्या बोला जाता है? पूनप एक्ट बोला जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु स्टार्टेड द फर्स्ट इंग्लिश न्यूज़पेपर इन इंडिया? बाल गंगाधर तिलक, राजा राम मोहन राय, हिकी, या लॉर्ड विलियम बेंटिक? सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी इज अ करेक्ट आंसर। हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ द स्वराज पार्टी आफ्टर द गया एनुअल सेशन? कौन था इसके बाद जो जो स्वराज पार्टी का जो प्रेसिडेंट था वो कौन था? वल्लभ भाई पटेल, चित्तरंजन दास, सुभाष चंद्र बोस, या फिर मोतीलाल नेहरू? सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, स्वराज पार्टी जो है वो चित्तरंजन दास एंड मोतीलाल नेहरू जो थे इन्होंने बनाई थी 1922 में। गांधी इरविन पैक्ट वाज एसोसिएटेड विद ऑफ द फॉलोइंग? रॉयलेट एक्ट, ये कब आया था आपको इसका डेट भी याद रखना, 1919, सिविल डिसोबिडेंस मूवमेंट 1930, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट से रिलेट करता था 1920, या क्विट इंडिया मूवमेंट 1940? सो जो गांधी इरविन पैक्ट था वो सिविल डिसोबिडेंस मूवमेंट से जो है वो रिलेट करता है। रॉलेट एक्ट जो है उसे ब्लैक एक्ट भी बोला जाता है, तो आपको ये भी पता होना चाहिए। ओके, एंड नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं। फॉर द फर्स्ट टाइम पूर्ण स्वराज जो है वो कौन से सेशन में है डिक्लेयर्ड किया था? लाहौर सेशन में, अमृतसर सेशन में, लखनऊ, या दिल्ली? तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए, दैट इज लाहौर सेशन। विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सनैलिटीज इज नेम्ड नोन एज अ शहीद स्वराज आइलैंड ऑफ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड? गांधी जी, सुभाष चंद्र बोस, वल्लभ भाई पटेल, या नन ऑफ द अबव? शहीद स्वराज आइलैंड ऑफ अंडमान एंड निकोबार इनमें से किस पर्सनैलिटी के लिए रखा हुआ है? तो वो है हमारे बी ऑप्शन, सुभाष चंद्र बोस। ओके, तो ये एक्सप्लेनेशन है, आप इस एक्सप्लेनेशन को भी पढ़ सकते हैं। इसका पीडीएफ मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे भेज दूंगी। आप लोग मेरा टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भेज दूंगी। ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन पे। हु इज द फाउंडर ऑफ द रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल? विलियम जॉन्स, लॉर्ड कॉर्नवालिस, जॉन शोर, वॉरेन हेस्टिंग्स? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ए ऑप्शन, विलियम जॉन्स। तश्कंद डिक्लेरेशन फॉलोड इंडो पाक वॉर 1971, 1947, 1981, या 1967? तो तश्कंद जो एग्रीमेंट है वो कब हुआ था? तश्कंद एग्रीमेंट हुआ था ऑप्शन ए 1971 में। सो ये एक पीस डिक्लेरेशन था। एक सेकंड, ये ऑप्शन यहाँ पे गलत है। 1971 में नहीं, 1966 में तश्कंद एग्रीमेंट हुआ था। सो आपको पता होगा कि 1965 में इंडो पाक वॉर हुआ था, ठीक है? तो इंडो पाक वॉर होने के बाद हमारे जो प्राइम मिनिस्टर थे इस टाइम पे वो थे लाल बहादुर शास्त्री जी। इन्होंने जो पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर थे अयूब खान, उनके साथ मिलके एक एग्रीमेंट साइन किया जिसको हम तश्कंद एग्रीमेंट बोलते हैं, जो 1966 में हुआ था। तो ये एक पीस एग्रीमेंट था बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान टू रिजॉल्व द वॉर ऑफ 1965 में, ठीक है? तो ये आपको यह पता होना चाहिए लाल बहादुर शास्त्री, और पाकिस्तान के प्रेसिडेंट कौन थे? हमारे मोहम्मद अयूब खान। इन विच सेक्शन
of the Indian National Congress Vande Mataram sung for the first time? कोलकाता सेशन में, मुंबई सेशन में, लाहौर सेशन में या वाराणसी सेशन में? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए. तो यहाँ पे देख सकते हैं कि तब कोलकाता सेशन में कौन प्रेजेंट है, रहमतुल्लाह एम साहनी. वंदे मातरम सॉन्ग वहाँ पे गाया गया था और वंदे मातरम सॉन्ग किसने गाया था? रविंद्रनाथ टैगोर जी ने. तो आपको ये पता होना चाहिए. और रिटन लिखा किसने था? बंकिम चंद्र चैटर्जी ने लिखा है हमारा वंदे मातरम सॉन्ग 1874 में. From which of the following play did Subhash Chandra Bose issued his famous card Dilli Chalo? Russia, Germany, Italy and Singapore. और इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी. रशिया में सिंगापुर में उन्होंने एक फेमस कॉल दिया था जिसे बोला गया था दिल्ली चलो. द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत 1791, 1526, 1761 या 1529. तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी. बुलंद दरवाजा वाज बिल्ट बाय अकबर, जहांगीर, शाहजहां या बाबर. बुलंद दरवाजा किसने बनाया? ऑप्शन ए इज करेक्ट, अकबर ने बनाया है. इट वाज बिल्ट इन 1601. टाइम 12 इयर्स लगे थे. फतेहपुर सिकरी आगरा डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश में ये है. हु वाज द ऑथर ऑफ तुगलकनामा? तुगलकनामा किसने लिखी है? आमिर खुसरो, अलबेरूनी, मिनराज उर सिराज या आमिर हसन ने? करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए, आमिर खुसरो ने तुगलक नामा लिखी है. देन कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स, जैसे कि चंडीगढ़ का जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है उससे शहीद भगत सिंह नाम रखा गया है. तो ये डिसीजन जो है ये किसने दिया है? पंजाब और हरियाणा गवर्नमेंट ने मिलकर ये डिसीजन लिया है कि जो चंडीगढ़ का इंटरनेशनल एयरपोर्ट है उसे हम शहीद भगत सिंह एयरपोर्ट अब बोलेंगे. सो कुछ एक और इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स है, जैसे कि जो हम अभी हमारे जो है चीफ जस्टिस जो है वो चेंज हो गए हैं. जो हमारे चीफ जस्टिस हैं 49th चीफ जस्टिस, उनका नाम है उदय उमेश ललित. ये हमारे न्यू चीफ जस्टिस हैं, 49th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया. अगर हम देखें कि हमारे 48 चीफ जस्टिस कौन थे, वो हैं एनवी रामना. तो एनवी रामना हमारे 48th चीफ जस्टिस थे एंड 49th चीफ जस्टिस है उदय उमेश ललित. तो करंट अफेयर्स के लिए ये भी इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा. सो आज के लिए बस इतना ही. मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर के साथ. होपफुली आपको ये लेक्चर बहुत पसंद आया होगा. जिसने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अपना चैनल सब्सक्राइब करिए. वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके बताएं कैसा लगा. थैंक यू एंड बाय.